हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए दोस्तों रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की अपडेट लेके आ चुके हैं दोस्तों। वैकेंसी यहां पे जो है निकल के आ चुकी है रिलायंस रिटेल की तरफ से दोस्तों। यहां पे बम्पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ दोस्तों सुनहरा अवसर है दोस्तों। रिलायंस रिटेल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करने का मौका आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। कैसे आप लोगों को जॉब के लिए आवेदन करना होगा दोस्तों, क्या क्राइटेरिया रहेगी, क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की मांग रहेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आवश्यकता है, पूरी डिटेल से यहाँ पे हम बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे जो जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी के लिए जॉब के लिए आवेदन करके दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो है रिलायंस रिटेल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर लोकेशन के बारे में बात करें तो लखनऊ है, बरेली दोस्तों अपने शहर में ही यहाँ पर जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं। तो कैसे आप लोगों को आवेदन करना है, सबसे पहले इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेना है दोस्तों। सो गाइस, करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे जो सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर में चले जाना है, सिंपली आपको सर्च कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पाए रिलायंस रिटेल करियर, जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट की लिंक आपको दिख जाएगी सामने दोस्तों। तो इस लिंक पर आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसकी जो लिंक है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की आ गई है दोस्तों। इस पर सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो प्रेस यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे आप यहाँ पे दोस्तों इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जो है प्रेस करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आपको इसकी जो है रिलायंस रिटेल की वेबसाइट दिखेगी। तो आप लोगों को सिंपली जो होता है क्या दोस्तों, जो भी ब्रांड कंपनी होती है दोस्तों टॉप कंपनी, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है जॉब के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, जैसे आप विजिट करेंगे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देख पा रहे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली इस पर आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रहा दोस्तों फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली इसके नीचे आपको पोस्ट के नाम यहाँ पे दिख जाएंगे और यहाँ पे लोकेशन और पोस्ट के नाम आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों। ये सारी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। आप लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारी भर्ती यहाँ पे जो निकल के आई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, फरुखाबाद है, कन्नौज उत्तर प्रदेश है, बहुत सारी भर्ती यहाँ पे जो है निकल के आई। सारी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए मिल जाएगी। कन्नौज है, औरैया है दोस्तों, और यहाँ पे औरैया उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे जो है दी गई हैं। तो कोई भी पोस्ट हम यहाँ पे एक ले लेते हैं दोस्तों, आप अपने लोकेशन अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। मैं एक कोई भी यहाँ पे पोस्ट ले लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे जो है डीमो के लिए जो है आवेदन करके दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, ये रही पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये रही जो है फरुखाबाद के लिए पोस्ट दोस्तों, इसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखा देते हैं दोस्तों आप सभी के लिए। तो यहाँ पे हम व्यू डिटेल कर लेते हैं दोस्तों फरुखाबाद की वैकेंसी पर। तो व्यू डिटेल करने के बाद दोस्तों लोकेशन फरुखाबाद दी गई दोस्तों। यहाँ पे जो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये रही मैट्रिक इंटरव्यू, यानी कि हाई स्कूल और इंटर की यहाँ पे जो मांग है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते दोस्तों हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 ईयर तक यहाँ पे मांग है, यानी कि अगर आपने फ्रेशर हैं तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 से यहाँ पे एक्सपीरियंस की मांग है। तो यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं दोस्तों, राइट में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू यूजर पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो चुका है दोस्तों। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग सिंपली यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लीजिएगा फॉर्म को दोस्तों। तो कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे फिलअप क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में मेल फील जो भी आप अपना यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा दोस्तों। फिर आपको आ जाना है यहाँ पे देख पा रहे सेलेक्ट नेशनलिटी, यानी कि अपना नेशनलिटी इंडियन आपको सेलेक्ट करना है। फिर अपना स्टेट, सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट अपना फिलअप करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो है लिख देना है दोस्तों। फिर आपको आ जाना है यहाँ पे नीचे नीचे आपको एजुकेशन डिटेल दे देनी है। एजुकेशन डिटेल में दोस्तों अगर आपने 10वीं पास कर चुके हैं तो 10वीं की दे सकते हैं, अगर आप 12वीं कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 12वीं की कर देना है दोस्तों। तो 12वीं पर इंटरमीडिएट पर क्लिक करते हैं। इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कोर्स दे देना है, कौन सा कोर्स आपने किया है, पासिंग ईयर यहाँ पे दे देना है, कौन सा साल आपने यहाँ पे पास किया है दोस्तों। फिर आपको आ जाना है यहाँ पे लास्टेस्ट वर्क एक्सपीरियंस में। सिंपली आपको यहाँ पे करना है क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेशर पर टिक कर देना है। यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस का जो दो ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को पहले कहीं काम कर चुके दोस्तों हैं इस जो रिलायंस टाइम में, तो आपको एक्सपीरियंस पर क्लिक करना नहीं किया, तो आपको यहाँ पे जो फ्रेशर पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे ये रहा
जो है रिज्यूम का ऑप्शन। तो सिंपली आपको ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइल ऊपर जाएगी। फाइल से दोस्तों अपने यहाँ पे PDF साइज में अपना अटैच कर लेंगे। मैक्सिमम साइज यहाँ पे लिमिट देख पा रहे हैं 2 MB में आप अपना रिज्यूम अपलोड कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही इजी तरीका था दोस्तों। सिंपली आप लोग अपने यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इस तरीके से रिलायंस स्टाइल में जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। रजिस्टर आपको कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं रजिस्टर का ऑप्शन रहा, तो यहाँ आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर जैसे ही करेंगे आपका जो फॉर्म होगा आवेदन हो जाएगा इस रिलायंस स्टाइल के लिए दोस्तों, रिलायंस स्टाइल कंपनी के लिए दोस्तों। आप अपने शहर में यहाँ पर जो जॉब कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।